आपकी सरकार की देन है। यह आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए, इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है, 10 लोगों के पास। यह कैसे हुआ? यह आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए, जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा, आपका नहीं देश का नुकसान होगा। तो पहला मेरा सुझाव ये है, ब्रन हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है, उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया, देखिए अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर दो हिंदुस्तान नहीं बनते। मगर आपने क्या किया, आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस उनको आपने बंद कर दिया। बोलने दीजिए, सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। सेम। और हो क्या रहा है, फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे दो मोनोपोलीज के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा, उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है। और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा,
एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स एंड द स्पिरिट विद विच आई स्पीक इज वन वेयर आई एम वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू द कंट्री सो यू मस्ट नॉट टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म टेक इट एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन धन्यवाद तो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है आपने अभी देखा होगा अभी दो स्पीकर्स ने बात की मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ इसके बारे में आपने नहीं बोला गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है हर स्टेट में उत्तर प्रदेश बिहार सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है रोजगार हमें दे दो और आपकी सरकार नहीं दे पा रही आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं इस पिछले साल 3 crore And what I consider to be the most important is the idea that there are now two Indias. There is now no longer one India. There are two Indias. One India is for the extremely rich people, for those who have immense wealth, for those who have immense power, for those who do not need a job, For those who do not need water connections, electricity connections, but for those who control the heartbeat of the country. And then another India. आपके जब नेता बोलेंगे ना फिर हम भी वो खड़े होंगे उस समय होते हैं इस गरिमा को मद्देनजर ये चर्चा करना चाहिए नेता सत्ता पक्ष के भी है नेता विपक्ष के भी है हमारे नेता भी बोल रहे हैं समय हमें दिया गया इस सूची में हम बोल रहे हैं अगर आप ये चाहें कि हमारे नेता को बोलने में बाधा डाले जाए तो मौका हमारे भी आएंगे आपको नेता जब यहाँ बोलने उठेंगे हम भी इस तरीके की बाधा डालेंगे ये आपको समझा रहे हैं चेतावनी दे रहे हैं ऐसा नहीं हम लोग डरे हुए नहीं है हम अपना बात रखना चाहते हैं अधिकार है हमारा प्लीज नो प्लीज बैठिए बोलने सभी अध्यक्ष महोदय एंड फॉर माय फ्रेंड्स इन द गवर्नमेंट आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट द स्पिरिट ऑफ व्हाट कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है सात की कर रहा हूं मैं 60 की भी करूंगा
मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए, आप ठहर जाइए। मगर असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया, कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी, गलत जीएसटी, और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि